Mr. Sadhav. Hello guys, मैं भावना. Hello guys, मैं हूँ वर्षा. Yes, so वर्षा भी दोबारा आई हैं हमारे साथ reactions देने के लिए. एंड वर्षा इतनी shy नहीं है क्योंकि हमें कमेंट के जरिए पता चला आप उसको shy बोल रहे हैं. Shy हो आप वर्षा? Yes. Who? Yes. ओके ठीक है, shy होते तो क्या हो गया, मतलब इतना कुछ बड़ी बात भी नहीं है. सो वर्षा, अब हम आज फिर से राउंड 12 की वीडियो पर रिएक्शंस करेंगे. टाइटल होगा क्राइम पेट्रोल. ओके, क्राइम पेट्रोल. इनके तो हर एक कॉन्सेप्ट में अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो देखते हैं कि इसमें ये लोग क्या करते हैं एंड हम अपने रिएक्शंस देते हैं. लेट्स स्टार्ट. आखिर कौन था वो आदमी और किसका इतनी बेरहमी से कत्ल कर रहा था? मैं अनुप कोनी, स्वागत करता हूँ आपका क्राइम पेट्रोल में. आखिर कौन था वो आदमी और किसका इतनी बेरहमी से कत्ल कर रहा था? हाँ साहब, निकल गए हम, बहुत तेज निकल रहे हैं. रैंपा जल्दी बैठ, काल मोड़ का इंतजाम भी करना बीच में. अरे अरे सर, मैं पहुंच जाऊंगा, मुझे पता है, मुझे वारदात से पहले पहुंचना है. वो कॉल करेंगे, उनसे पहले पहुंच जाऊंगा मैं वहां पे, टेंशन मत लो. हाँ, फजर के टाइम निकला मैं चौकी से. हाँ हाँ निकल गया. अरे बुढ़े तेरी बहन. अरे मैं निकल गया. अरे अरे रोकिए, अरे धूम खड़ी जा रही है. आदित्य चोपड़ा से बात करवा दूं, धूम फौर में चले जाइए. आज 10 फ्यूरियस की तैयारी कर रही है पूरी रोड पे. बस आप क्या हो गए ये? ऐसा डीएल मांग इसका. अरे अपना बोल यार सीधे. अरे प्रेम पाल, इस पे तो सारे पर्चे हैं. अरे तू अपना जन्म प्रमाण पत्र दे. हैं? वो ये है. वाह. जाति प्रमाण पत्र दे अपना. अरे इसकी आय तो होगी ना, अब आय का प्रमाण पत्र दे. अरे चूतिया प्रमाण पत्र दिया अपना. वाह. दिया आराम, हर पर्चा चूतिया कैटेगरी का भी पर्चा बनवा रखा. वहाँ पे क्राइम पेट्रोल में कतई भ्रष्टाचार ना है. जब भैया जा तू, अबे ये फिर गुड डे कॉल आ गई यार. देख बे फौरन निकल ले यहाँ से. और सुन, जाए तेज मत भगाइए, 300-400 भगा लिए कोई बात ना, जल्दी बैठ के. अब पे भाई पुलिस वाले का व्यवहार बाकी में चौंकाने वाला था. आज तक क्राइम पेट्रोल के इतिहास में हराम नहीं काटा गया, यहाँ तक कि पुलिस ने हराम सूंघा तक नहीं, लेकिन उससे सारे प्रमाण पत्र मांग लिए. आज ही मैं कहता हूँ चूतिया प्रमाण पत्र बनाए अपने जन सुविधा केंद्र नजदीकी. भैया ये बताना पता कहाँ? हाँ ये पता सर, आप नीचे नीचे नाले में तैरते तैरते राइट ले लेना, ठीक है. और सुनिए, सावधान रहें, सावधानी से जाइए, सतर्क रहें, सतर्क तो है ही, सतर्क रहें. और अगले हफ्ते फिर मिलें. जय हिंद, भारत माता की जय. भैया इकलौती थी. अंग देश में प्रेम पाली से छोड़ उसे पकड़ के ला. भाग्य दिखा है मौका, वारदात पे लेके चलना इन्हें. अरे सर, मैंने पिछले साल आर्मी का फॉर्म भरा हूँ, उसके लिए मार.
चल भाई चल, कहाँ है बता। मार दिया इतना बुरा। कटिया तो तू ही हो रही है, तू नहीं करा दिखा ये। बता कहाँ था रात? मैं रात सूर्या से सर। सूर्या था? हाँ। और तू कहाँ था रे? अरे था वो मेरा फोन रात साइलेंट पे था। काहे पे था? साइलेंट। अरे साई भी क्यों लगा दिया तुमने? अरे क्या जरूरत है साई लगाने की? और ये कौन है बे तेरा? रमेश है मेरा भाई है। और तू कौन है? सुरेश हूँ मैं। सुरेश है तू? तू कटिया है, तू नहीं करा ये ना सास से तेरा नाम कटिया। ए प्रेमपाल सबूत लेके आ वारदात पे से। अरे चावल तो बासमती का लगाया दिखे है। इसे एक काम करो, फौरन फॉरेंसिक लैब भेजो, ठीक है? अरे इन्हें मत भेजे फॉरेंसिक लैब, इन्हें भेज घर पे, तेरी भाभी बनाएगी तड़का मार के बिरयानी आ जाएगी और एक प्लेट दे, ठीक है? ए कटिया तू क्यों हो रही है धूम में इतनी हसीना? और तुझे छोड़िए इतना पसीना। अरे साबुन दे दूं नहा लिए आई पसीने में। साफ गर्मी बहुत हो रही है, पंखा ओफो साहब को मिरिंडा लाओ प्रेमपाल, 12 वाली ले, शीशे वाली। अरे बिजार कटिया कहाँ थी रात तू बता दे, अब तो थाने में बैठा। कड़ी कहाँ से आई आपके पास सर? ये मौका है वारदात तो मिली है मेरी है। साहब ये तो मेरे भाई रमेश की है, हम चुरा के लेकर आए थे एक साथ बुध बहन में से। रमेश? हाँ। अरे मेरे मर की बार दिन एक नोटी थी कितनी प्यास हो रहा है। घर का भेदी मुर्गी खाए बता सब, सच सच बता सब। साहब जिस दिन से यूपी में मीट बंद हो गया था उस दिन से मेरी तावे को हलम लगना ही बंद हो गया था। तो एक रात मैंने प्लान बनाया कि मैं हमारी एकलौती मुर्गी रामकली को मार के बासमती चावल के साथ बिरयानी बना के घर तक जाऊं। गली को आग कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं, जो गाड़ फाड़ के मटर पिला दे उसे रमेश का बाप कहते हैं। इसी तरह रमेश का बाप पुलिस निकली और उसने तहकीकात में पाया कि रमेश ही चोर था। आज बाबली गांड की रिपोर्ट बताती है, आंकड़े बाकी में चौंकाने वाले हैं। बाबली गांड की रिपोर्ट ने बताया कि 13% मुर्गी आत्महत्या कर लेती है और 14% मुर्गी रात को ठेलों पर आमलेट बन जाती है। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि मुर्गी का त्याग करें, आज ही मुर्गी खाना छोड़ें और शपथ लें कि मुर्गी हम आज के बाद नहीं खाएंगे। लंच में क्या बनेगा? मुर्गी डलवा दी आज। अरे भैंस भालू कटिया बता दे। सबके डीजीपी गुड्डे का आदेश था कि वो मौका ही वारदात पर सबसे पहले पहुंचे, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए। और हरा भैंस का जगह तो बता दे करो। हेलो गाइस, दोस्तों अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो इस बार 10,000 लाइक कायम रखते हैं और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। और यार ये जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है इस पे क्लिक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो यार। और दोस्तों हम पे कमेंट बहुत आती है कि हम कौन सी सिटीज है, कौन से शहर से, तो आज बताने जाते हैं ऑफिशियली। दोस्तों हमें मुरादाबाद से और अब से हर हफ्ते वीडियो आई है। और यार लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब। सो गाइस देखा आपने, हमने राउंड ट्री हेल की वीडियो पे रिएक्शंस दिया एंड वर्षा सबसे बेस्ट क्या लगा पूछते हैं? बेस्ट यही लगा है कि वो निकला साइकिल और उसके उससे इनके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांग लेते हैं ना जी, और वो बाइक पर होता भी नहीं है। यू नो वर्षा का कहने का मतलब था कि भाई साइकिल पे होने के बावजूद उसे इतने सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, देन उसने वो दे भी दिए और फिर भी चाहा। राउंड हेल के वीडियो पे ही हो सकता है सीरियसली। एंड वो भाई इंसान की हत्या भी ऐसे नहीं की जाती जैसे मुर्गी की हत्या की गई। बड़ा अच्छा सस्पेंस था, बड़ा मज़ा आया देख। सो गाइस हम फिर से मिलेंगे एक न्यू वीडियो में जहां हम आपको एक न्यू रिएक्शंस के साथ मिलेंगे। देन आप राउंड टेबल की वीडियो पर हमें कमेंट करते हैं सो हमने किया, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, प्लीज़ जितना भी कर सकते हो करिए। एंड ये वाली वीडियो हमने इसलिए की बिकॉज हमने ये नहीं की थी एंड राउंड हिल की क्रिकेट गली वाली वीडियो हमने की हुई है। आप हमारे पूरे यूट्यूब पे सारा देख सकते हैं, लिंक्स हमारे ऐड हैं सो वो हमने किया हुआ था, लेकिन ये आपके लिए है खास क्योंकि हमने इस पर रिएक्शन नहीं दिया था। सो गाइस आई होप कि आपने इंजॉय किया होगा फुल। सो अभी के लिए हम लोग चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए अराइव एंटरटेनमेंट।